हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गमले में ढेर सारी हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका। कैसे आप बाजार से लाई हुई ताजी शिमला मिर्च के बीज निकालकर घर पर ही फ्री में 100% ऑर्गेनिक शिमला मिर्च के पौधे उगा सकते हैं, कैसे इसकी मिट्टी बनाई जाती है, किस तरह की खाद इसे देना चाहिए और कैसे इन पौधों की केयर की जाती है जिससे ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों में कौन सी बीमारियां और पेस्ट लगते हैं और कैसे ऑर्गेनिक तरीके से ही इनका इलाज किया जा सकता है, बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 4 महीने के ग्रोथ अपडेट्स के साथ। दोस्तों, गमले में शिमला मिर्च उगाना बहुत आसान होता है। मैं साल में 2 बार अपने टेरिस गार्डन में इस तरह की ढेर सारी ग्रीन, येलो और रेड कैप्सिकम उगाता हूँ, वो भी 100% ऑर्गेनिक तरीके से। तो यदि आप भी मेरी तरह ढेर सारी शिमला मिर्च अपने टेरिस गार्डन या बालकनी में उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शिमला मिर्च आप 2 तरह से उगा सकते हैं, सीड स्टोर वाले बीज से और बाजार से लाई हुई ताजी शिमला मिर्च से। तो आज मैं आपको बाजार वाली फ्रेश शिमला मिर्च से कैप्सिकम प्लांट उगा के दिखाऊंगा। बीज के लिए मैं हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च ले आया हूँ। इन कलर्ड शिमला मिर्चों को बेल पेपर भी कहते हैं। हरी वाली से अलग इनका स्वाद हल्का मीठा होता है। अब मैं इन्हें काटकर बीजों को बाहर निकाल लेता हूँ। बीज के लिए हमेशा सबसे बड़ी शिमला मिर्च लेना चाहिए। सिर्फ उन्हीं बीजों को उगाने के लिए लीजिए जो इस तरह से पूरी तरह से मैच्योर्ड और बड़े हों। अगर कच्चे और छोटे सीड्स लेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। मैंने सीड्स को निकाल लिया है। अब अगर इन्हें मैं सीधे ही मिट्टी में डाल दूं तो शायद इनमें जर्मिनेशन ना हो, इसलिए मैं इन्हें 2 दिनों के लिए छायादार जगह पर रखकर सुखाऊंगा। 2 दिनों के बाद ये बीज सूख गए हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन्हें साधारण मिट्टी में उगाने की जगह सीडलिंग मिक्स बनाकर उगाइए। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर गीला कर लीजिए। अब सीड्स को इस तरह से फैलाकर थोड़ा दबा दीजिए जिससे बीजों का कांटेक्ट मिट्टी से अच्छी तरह से हो जाए। अब मिट्टी से बीज कवर कर दीजिए। इस स्टेज पर ज्यादातर लोगों का जर्मिनेशन सिर्फ इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो इसमें ज्यादा पानी दे देते हैं जिससे बीज में फंगस लग जाती है। इसलिए हमें इसमें सिर्फ उतना ही पानी देना है जिससे कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके। शिमला मिर्च उगाने के लिए सही मौसम और सही टेम्परेचर दोनों जरूरी होता है, वरना या तो बीज जर्मिनेट नहीं होते या अगर जर्मिनेट हो भी गए तो फल नहीं आते। अच्छी ग्रोथ के लिए इसे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। भारत में शिमला मिर्च उगाने के 2 सीजन होते हैं। जनवरी, फरवरी और 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक का समय बीज लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। 90 दिनों के बाद आप शिमला मिर्च का पहला हार्वेस्ट भी ले सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधों को 10 से 12 इंच वाले मीडियम साइज के कंटेनर में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। आप इन्हें इस तरह के 10 इंची ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं या प्लास्टिक ऑयल जार को काटकर ड्रेनेज के लिए इसके नीचे कुछ छेद कर लीजिए और फ्री में इस तरह का बढ़िया कंटेनर बनकर तैयार हो जाएगा। 25 दिनों बाद पौधे में 4-5 पत्तियां निकल आई हैं और अब ये फाइनल कंटेनर में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। गमले में ढेर सारी शिमला मिर्च उगाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी की जरूरत होती है। बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल मिट्टी 50%, वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, कोकोपीट या रेत 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का भी काम करता है। मैं कुछ सीडलिंग्स को रेक्टेंगुलर प्लास्टिक पॉट में उगाऊंगा और कुछ को ऑयल जार से बने हुए इस कंटेनर में। अच्छे ड्रेनेज के लिए नीचे बारीक कंकरों की 1 इंच की लेयर बना दीजिए। अब इनमें मिट्टी भर के सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर दीजिए। सीडलिंग मिक्स में उगाने के कारण इसमें काफी अच्छी रूट ग्रोथ हुई है। बड़े कंटेनर में आप 10 इंच की दूरी पर 2 पौधे भी लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं सभी कलर्स के सीडलिंग्स को कंटेनर्स में शिफ्ट कर दूंगा। ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद पौधे थोड़े लंबे हो गए हैं। अब मैं ग्रोइंग टिप को इस तरह से काट देता हूँ।
ऐसा करने से इसमें नीचे की तरफ से ढेर सारी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना हो जाएगा। जितना घना पौधा होगा उतनी ही ज्यादा फल पौधा देगा। डेढ़ महीने बाद पौधों में फूल आना शुरू हो गए हैं। फ्लावरिंग शुरू होने पर पानी तभी डालें जब छूने पर मिट्टी सूखी लगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से फ्रूट बनने से पहले ही फूल गिर सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधे ट्रांसप्लांट किए हुए 2 महीने हो गए हैं और फूल अब छोटे छोटे फ्रूट्स में बदलने लगे हैं। लाल और पीली बेल पेपर में भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कलरफुल बेल पेपर्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही देर से शुरू होती है। असल में सभी तरह की शिमला मिर्च शुरू में हरी ही होती है, फिर फल मैच्योर होने लगता है और उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। शिमला मिर्च के पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी फ्रूटिंग करने लगते हैं, इसलिए ये हैवी फीडर भी होते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसमें समय समय पर फर्टिलाइजर देना जरूरी है। ट्रांसप्लांट करने के बाद हर 15 दिन में एक बार हर गमले में 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर ऊपर की मिट्टी को इस तरह से थोड़ा ढीला कर लीजिए। ऐसा करने से पानी का ड्रेनेज भी अच्छा होगा और न्यूट्रिशन गमले में नीचे तक पहुंचेगा। तेजी से ग्रोथ के लिए इसे पोटेशियम रिच खाद की जरूरत होती है और इसके लिए बनाना पील फर्टिलाइजर बेस्ट ऑप्शन होता है। बनाना पील फर्टिलाइजर बनाने के लिए केले के छिलकों को धूप में क्रिस्पी होने तक सुखा लीजिए। अब इन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। अब एक गमले में इस हाई पोटेशियम बनाना पील फर्टिलाइजर की 2 चम्मच महीने में एक बार डालें। ध्यान रहे कि दोनों तरह की खाद 10 दिनों के अंतर पर पौधों में डालें। इससे फ्लावरिंग बढ़ेगी और फ्रूट सेट होने में पौधे को मदद मिलेगी। हरी शिमला मिर्च के पौधे को गमले में ट्रांसप्लांट किए हुए आज 70 दिन हो गए हैं। प्लांट की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी है क्योंकि अर्ली स्टेज में ही इस पर ढेर सारे फल आ गए हैं। शिमला मिर्च तोड़ लेने के बाद इसकी ग्रोथ दोबारा तेज हो जाएगी। फलों के वजन से पौधों को गिरने से बचाने के लिए मैंने इन्हें स्टिक्स का सपोर्ट दे रखा है। दोस्तों, बाजार वाली शिमला मिर्च के सीड से उगाए हुए हमारे ये पौधे अब 70 दिनों के हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक पौधे पर ढेर सारी शिमला मिर्च आई हुई है। ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है और अब हम अपना फर्स्ट हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए इन शिमला मिर्चों को हार्वेस्ट करते हैं। ऑयल जार में लगाए हुए पौधों की शिमला मिर्च भी अब बड़ी हो गई है और मैं इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। मैंने सभी ग्रीन कैप्सिकम्स हार्वेस्ट कर ली हैं और मेरी पहली हार्वेस्ट 1 किलो के आसपास है। तो दोस्तों, ये है एकदम फ्रेश और 100% ऑर्गेनिक तरीके से घर पर उगाई हुई कैप्सिकम। और अगर आपने घर की उगी ताजा ऑर्गेनिक शिमला मिर्च नहीं खाई है तो शायद आपने असली शिमला मिर्च अभी तक खाई ही नहीं। ट्रांसप्लांट के 90 दिनों बाद पीली बेल पेपर का कलर भी चेंज हो चुका है। इनमें से कुछ का कलर अभी भी चेंज हो रहा है लेकिन इनका साइज ज्यादा बढ़ नहीं पाया। अब मैं इन्हें भी हार्वेस्ट कर रहा हूँ।
और फाइनली 110 दिनों के बाद लाल वाली बेल पेपर भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है, तो इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। पांच महीने बाद पौधे और भी बड़े हो गए हैं और इनमें दोबारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। अब एक डेढ़ महीने बाद ये सेकंड हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। समय समय पर हार्वेस्टिंग करते रहने से पौधा तेजी से ग्रोथ करता है और दोबारा फ्लावरिंग शुरू कर देता है। अगर सही केयर की जाए तो एक पौधा 10 से 12 महीनों तक शिमला मिर्च देता रहता है। हालांकि टाइम के साथ साथ इसमें प्रोडक्शन और फ्रूट साइज दोनों ही कम होते चले जाते हैं। कई फॉलोअर्स ने कमेंट करके शिमला मिर्च से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर की थी, जैसे ताजा शिमला मिर्च के बीज निकालकर उगाने पर एक भी बीज जर्मिनेट नहीं होता, फूल झड़ जाते हैं, फल कम आते हैं और छोटे रह जाते हैं, पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं बारी बारी से सारी प्रॉब्लम्स का कारण और सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ताजी शिमला मिर्च के बीज निकालकर तुरंत लगाने से बीजों में फंगस लगने की पॉसिबिलिटी होती है और जर्मिनेशन फेल हो जाता है, इसलिए हमेशा बीजों को एक दो दिन सुखाने के बाद ही बोना चाहिए। आप चाहें तो बाजार से अच्छी क्वालिटी के शिमला मिर्च के बीज भी लाकर उगा सकते हैं, इससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पौधे में फूल झड़ जाने का सबसे बड़ा कारण होता है पुअर सॉइल या मिट्टी में ज्यादा नमी होना। फ्लावरिंग शुरू होने के बाद पानी तभी दीजिए जब छूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो। ध्यान रहे कि ओवर वाटरिंग शिमला मिर्च के पौधों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी में इसकी फ्रूटिंग अफेक्टेड होती है और फल छोटे या टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं, इसलिए हेल्दी प्लांट्स और अच्छी फ्रूटिंग के लिए इसे हमेशा सही मौसम में ही उगाइए। शिमला मिर्च के पौधों को तेज धूप में कभी नहीं रखना चाहिए। इन पौधों को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां इन्हें सुबह 3-4 घंटे की धूप मिल सके और बाकी समय इन पर शेड रहे। बरसात के मौसम में इन पौधों को खुले में नहीं रखना है, वरना पौधे बीमार हो जाएंगे और रूट रॉट के कारण खराब हो जाएंगे। बरसात से बचाने के लिए इन्हें ब्राइट लोकेशन पर शेड के नीचे रखिए। दोस्तों, शिमला मिर्च के पौधों पर कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा होता है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग घर पर इसे सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाते। इस पर थ्रिप्स लग जाते हैं जो पत्तों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं और ग्रोथ कम हो जाती है। इस पर एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज भी लग जाती हैं, जिसके कारण लीफ कर्ल वायरस लग जाता है और पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं। बीमार पत्तियों को तोड़ देना चाहिए और ज्यादा अफेक्टेड पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। शिमला मिर्च के पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए सीडलिंग स्टेज से ही हर 10 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर पूरे प्लांट पर स्प्रे कीजिए, खासतौर पर पत्तियों के नीचे जहां पेस्ट छुपते हैं। पौधों को रेगुलरली चेक करते रहिए। ऐसा करने से पौधे बीमारियों से बचे रहेंगे और हेल्दी पौधे आपको महीनों तक फ्रेश ऑर्गेनिक शिमला मिर्च देते रहेंगे। दोस्तों, गार्डनिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने इश्यूज पर मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।